कुड़ाल नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों दिल के बहुत अच्छे थे। प्रसाद नारियल का व्यापारी था। शारदा हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। सुबह उठना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, फिर घर पर आकर टीवी लगा के सुदर्शन चैनल या फिर भक्ति चैनल देखना ही उसकी जीवन शैली थी। प्रसाद नारियल व्यापारी होने के बावजूद उसने अपने दोनों बेटे रमेश और सुरेश को शहर में पढ़ाकर उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। रमेश और सुरेश दोनों मुंबई शहर में रहते थे। उनको अपना गांव बिल्कुल पसंद नहीं था। वो शहर के चमक दमक में इतना घुल गए थे कि उन्हें शहर के सिवाय अपना गांव नहीं दिख रहा था। वो माँ बाप को 10 दिन में एक बार फोन करते थे। एक बार ऐसे ही फोन करते वक्त बड़े बेटे रमेश से उसकी माँ शारदा फोन पर बोली, बेटा तू घर का बड़ा है, पहले तेरी शादी होनी चाहिए। अब तू ठीक से कमाने भी लगा है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दूँ। तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं पंडित जी से बात करके तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने के लिए बोलती हूँ। माँ की बात सुनकर रमेश परेशान हो जाता है और वो अपनी माँ से, क्या माँ, जब भी देखो सिर्फ शादी शादी करके पीछे पड़े रहते हो। शादी करनी है तो मैं खुद लड़की ढूंढ लूंगा। मुझे आपकी कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। जब मेरी मनपसंद लड़की मुझे मिल जाएगी तब जाकर मैं खुद शादी कर लूंगा और आपको शादी का न्योता दूंगा। दोबारा आप मुझसे शादी की बात मत कीजिए। मैं इसलिए आपसे फोन करने के लिए डरता हूँ। वैसे भी हम अभी बच्चे नहीं है। आज के बाद मैं जब फोन करूँ तो मेरे बारे में पूछिए, पर शादी के बारे में मत पूछिए। रखता हूँ फोन। कहकर उसने फोन काट दिया। शारदा को बेटे की बात बहुत बुरा लगा, पर मन ही मन उदास होकर बिना अपने पति को कुछ बताए चुप हो गई। प्रसाद शारदा की उदासी परख लिया, पर वो भी शारदा से बिना कुछ पूछे चुप हो गया। कुछ दिन के बाद शारदा को छोटा बेटा सुरेश फोन किया, माँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं और भाई ने यहीं मुंबई में शादी कर ली है। आप दोनों को बुलाने के बारे में सोचे थे, पर शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई कि बुलाने के लिए वक्त भी नहीं मिला। भैया आपसे बात करने के लिए ही हिचकिचा रहे थे, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप और बाबूजी बुरा मत मानिए, हम वक्त निकालकर आपकी बहुओं के साथ जरूर गांव आएंगे। पूरे गांव वालों को बुलाकर एक बहुत बड़ी पार्टी भी देंगे। काम में फुर्सत नहीं है, इसके लिए आने के लिए थोड़ा देर हो जाएगी, क्योंकि आपकी दोनों बहू भी हमारे कंपनी में ही नौकरी करती हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ, भैया की बीवी साउथ इंडियन है और मेरी बीवी पंजाबन है, मतलब नॉर्थ इंडियन है। भैया की बीवी का नाम अनामिका है और मेरी बीवी का नाम मोना सिंह है। आपको बताना मेरा फर्ज माना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। रखता हूँ माँ। इतना कहने के बाद सुरेश फोन काट दिया। शारदा फूट फूट के रोई और उसके पति आने के बाद सब कुछ बताई। तब प्रसाद उससे बोला, तू पगली गई है, मुझे तो हमारे दोनों बेटे के ऊपर कभी भरोसा था ही नहीं। जब वो शहर चले गए और शहर से गांव आना पसंद नहीं किए, तभी मुझे पता चल गया कि वो दोनों हमारे हाथ से निकल गए। पर मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे ये बात कभी जिक्र नहीं किया। बच्चों की परवरिश करने तक ही हमारी जिम्मेदारी है। उनका भविष्य का फैसला हम कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो जब से कमाने लगे खुद का फैसला खुद ले रहे हैं। ज्यादा सोचना मत पगली, बस अभी यही दुआ कर तुम्हारी बहू दोनों तुम्हारे बेटे दोनों जैसा ना हो। अब जाके सो जा। इतना कहकर वो खुद सो गया। शारदा को मगर नींद नहीं आई। कुछ दिनों के बाद शारदा के यहाँ उनके दोनों बहू आए। रमेश और सुरेश बिजी होने के कारण वो नहीं आ पाए। दोनों बहू आपस में टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे थे। अनामिका हमेशा साउथ इंडियन लोग अच्छी बोलती थी और मोना सिंह नॉर्थ इंडियन सबसे अच्छे हैं ये बोलती थी। लेकिन दोनों अपने सास ससुर के प्रति बहुत श्रद्धा दिखाए। वो बात देखकर शारदा और प्रसाद दोनों खुश हुए। उन दोनों के झगड़े सुबह होते ही शुरू हो जाते थे। अनामिका उठते ही कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तती टीवी में लगाती थी, तो मोना सिंह नींद से जागकर चैनल तुरंत बदल के इकोंकार सतनाम वाहेगुरु के पवित्र भजन लगाती थी। तो अनामिका गुस्से में रूठ कर रसोई घर में चली जाती थी। ये सब देखकर शारदा मन ही मन हंसने लगती थी। तब शारदा दोनों बहू से बोली, भगवान तो भगवान होते, तुम दोनों के भाषा में अंतर है, लेकिन भगवान के बीच कोई अंतर नहीं है। आपस के झगड़े में भगवान को मत घसीटो, इससे ही दुनिया में नफरत फैलती है। तुम तिरुपति बालाजी को मानती हो और वो वाहेगुरु को मानती है, मेरे लिए दोनों बराबर है। जो पहले उठा वो अपने श्रद्धा के मुताबिक भजन लगाएगा और बाद में जो उठेगा उसको कोई हक नहीं बनता है सामने वाले की श्रद्धा को ठेस पहुंचाए।
कम से कम आज से तुम दोनों भगवान को तो छोड़ दो। व्यक्तिगत तौर पे तुम दोनों में कुछ भी झगड़ा हो वो तुम दोनों की बात है, पर आज से श्रद्धा को बीच में मत लाओ। तब दोनों बहू शारदा की बात मानकर हाँ बोलते हैं। अब किचन में अनामिका सास के लिए फिल्टर कॉफी बनाकर लाती है। सास ससुर दोनों को लाकर देती है। दोनों को कॉफी पीने की आदत नहीं है, फिर भी जबरन कॉफी पीते हैं। दूसरी ओर मोना सिंह मलाई वाला चाय बनाकर लाती है। उसका मन न दुखे इसलिए वो चाय भी पी लेते हैं। अब नाश्ते का समय आ चुका है। अनामिका नाश्ते में इडली डोसा वड़ा उसके साथ सांबार चटनी बनाकर अपने सास ससुर को देती है। सास ससुर उसका मन न दुखे इसलिए खाते हैं। तुरंत बाद मोना घी लगाकर आलू का पराठा बनाती है और उसके साथ साथ ग्लास भर लस्सी बनाकर देती है। उसका भी मन ना दुखे इसलिए दोनों खा लेते हैं। सास ससुर दोनों की हालत खराब हो जाती है। ससुर काम पर चला जाता है लेकिन ज्यादा खाने की वजह से वो काम में मन नहीं लगा पाता है। यहाँ शारदा का भी हालत वही है। अब बारी आती है टीवी की। अनामिका टीवी में अपने साउथ इंडियन की घिसी पिटी 20 साल पुरानी टीवी सीरियल देखती रहती है। तब मोना सिंह आकर अनामिका के हाथ से रिमोट खींचकर अपनी पसंदीदा 20 साल पुरानी घिसी पिटी हिंदी सीरियल लगाती है। उस बात से अनामिका को गुस्सा आया और वो गुस्से में, अयो मैंने पहले टीवी लगाया था और तुम्हारा हक भी नहीं बनता है कि मेरे देखे हुए सीरियल को बंद करके अपनी सीरियल लगाने का, वरना मेरे को भी छीनना आती है। अनामिका की बात सुनकर मोना को गुस्सा आया और वो गुस्से में उसे बोली, ओए इडली डोसा, मेरे साथ लड़ना चाहती है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं सीखनी हूँ। तुझ जैसे इडली डोसे को मैं मसल के रख दूंगी। ओए बल्ले बल्ले, चल हट, जोर से फूकूंगी तो उड़ जाएगी। वैसे भी साउथ इंडियन भाषा किसको आता है यहाँ पर? हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, सबको समझ में आती है। ओए रामा, इसलिए तो साउथ इंडियन पिक्चर आजकल पूरी दुनिया में छाई है। हमारी साउथ इंडियन फिल्में जितनी कमाती है ना, उसमें से आधा भी तुम्हारी हिंदी फिल्में नहीं कमाती। बड़ी आई बोलने वाली, तुम खा खा के मोटी बन सकती हो, पर हमें बोन पावर ज्यादा है। एक मारूंगी ना तो पुरखे याद आ जाएगी, चल हट। इतना कहकर उसके हाथ से अना रिमोट छीन लेती है और वो फिर से अपना वही सीरियल लगाती है। उसके हाथ से रिमोट खींचते हुए देखकर मोना सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसके हाथ से रिमोट खींच लेती है और वो फिर से अपना सीरियल लगाती है। बाद में अनामिका को गुस्सा आता है। दोनों में नोकझोंक बढ़ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर झगड़ा शुरू करते हैं। इतने जोर से झगड़ते हैं कि जमीन पे पटक पटक के एक दूसरे को मारते हैं। शारदा उनकी वो हालत देखकर परेशान हो जाती है। शारदा भागते हुए आकर दोनों को रोकती है। सास को आते देखकर दोनों रुक जाते हैं। तब शारदा उन दोनों से, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। आसपास वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जंगली जानवरों की तरह तुम दोनों लड़ रहे हो। तुमसे तो जानवर अच्छे है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर रहना है तो अदब से रहना, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शारदा की बात सुनकर दोनों बहू सर झुकाते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब दोपहर का भोजन का समय आया। दोपहर में भी अनामिका साउथ इंडियन खाना बनाई और मोना पंजाबी खाना बनाकर दोनों सास ससुर को भर पेट खिलाई। फिर रात को भी वही हुआ। ऐसे कुछ ही दिनों में सास ससुर दोनों खा खा के बीमार पड़ गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के बाद अनामिका और मोना दोनों अपने अपने पति को फोन करके बुलाए। दोनों बेटे भागते हुए आ गए। अनामिका और मोना दोनों अपने सास ससुर की सेवा अच्छे तरीके से किए। अस्पताल के डॉक्टर भी वो देखकर हैरान हो गए। कुछ दिनों में सास ससुर दोनों की तबीयत ठीक हो गई। पूरे परिवार वाले घर वापस आए। तब ससुर अपनी दोनों बहुओं से बोला, बेटी जिसकी जो आदत रहती है वो वही आदत से चलेगा, वैसे ही खाना खाएगा तो उसकी सेहत भी ठीक रहेगा। तुम दोनों की खाने की आदत अलग है और तुम्हारा खाना हमें कैसे पचेगा, पर अचानक इतने सालों के बाद तुम आकर हमें तुम्हारे जैसे बनाने के लिए कोशिश करोगे। हम मजबूरन तो वो आदत डाल सकते हैं पर हमारा शरीर तो वो आदत नहीं डाल सकता है ना बेटी। अनामिका और मोना दोनों जाकर सास ससुर के पैर छूकर माफी मांगे और वो अपने पति को शहर जाने के लिए साफ साफ मना कर दिए। उनको शहर से ज्यादा गाँव में रहना ही पसंद है ये कहकर शहर जाना टाल दिए। रमेश सुरेश में भी वो बदलाव आया। अब वो भी शहर की चकाचौंध से दूर होकर
गांव में ही घर बसाने के लिए सोचे। सब आराम से रहने लगे। गुजरात के कच्छ नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। शारदा बहुत घमंडी औरत थी। शारदा का पति शारदा से बहुत डरता था। उसका डर का कारण ये नहीं था कि वो झगड़ालू है, वो उससे बहुत प्यार करता था इसलिए वो डरता था। उसके प्यार की वजह ये थी, शादी के बाद ही उसको तरक्की मिली। शादी से पहले वो कंगाल था, शादी के बाद वो करोड़पति बन गया। पर शारदा की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में काम करने वाले नौकरों से कुत्तों की तरह बर्ताव करती थी। एक दिन उसके घर में काम करने वाली बाई के हाथों से ग्लास का प्लेट टूट गया। गुस्से में आकर शारदा उसे चाबुक से पीटने लगी और पीटने के बाद बदतमीज तरीके से उससे बर्ताव की। फटी चर औरत, हाथ पैर टूट गए क्या तेरे? तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे घर का एक भी सामान टूटना नहीं चाहिए? तेरा बाप का माल समझ रखा है क्या? पता है, ये ग्लास का प्लेट मैंने दुबई से मंगाया था। इसका दाम 5,000 है और तुझ जैसी फटी चर के हाथों से ये प्लेट टूट गया और मैं चुपचाप बैठू, ये हो नहीं सकता। तेरे 2 महीने का पगार मैं काट रही हूँ, चल दफा हो जाए यहाँ से। शारदा की सारी बातें प्रसाद सुन रहा था और वो धीरे से आकर अपनी बीवी शारदा से, ये क्या कर रही हो शारदा, तुम उस बिचारी गरीब औरत को चाबुक से ऐसे मारा और ऊपर से ये झूठ बोला कि वो दुबई से खरीदा है, उसका दाम तो लगभग 100 रुपए से भी कम है। ऐसे गरीब लोगों को लूटने से भगवान हमें माफ नहीं करेगा। दिन ब दिन तुम्हारा बर्ताव बिगड़ता जा रहा है, पैसों का घमंड तुम्हें सर पर चढ़ गया है। ऐसे ही करते जाओगे तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। याद रखना, पैसा शाश्वत नहीं है, इंसानियत यहाँ पर हमेशा जिंदा रहती है। पति की बात सुनकर शारदा को गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने पति को जवाब दी, आपकी जुबान बहुत चल रही है, आजकल कैची की तरह खटर 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 चल रही है। इससे पहले मुंह खोलने से पहले 1,000 बार सोचते थे, उस फालतू फटीचर औरत के लिए मेरे साथ जुबान लड़ा रहे? आपकी इतनी हिम्मत हो गई? आप ये मत भूलिए, मेरे आने के बाद ही आप करोड़पति बने हैं। मैं आपकी घर की लक्ष्मी हूँ, मैं अगर चली गई तो आप फिर से कंगाल हो जाएंगे, ये सोच लेकर चलिए। उस बात की कदर है इसलिए मैं आज तक चुप हूँ, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है, तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम आने के बाद ही मैं सफल हुआ हूँ। पर उस बात का फायदा तुम बहुत उठा रही हो, जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ऊपर वाला तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर कर देगा। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने जुबान नहीं खोलूंगा, पर याद रखना, एक दिन तुम पछताओगे। सब कुछ खोने से पहले अपने आप को सुधार लो, वरना सब कुछ खोने के बाद कुछ नहीं बचेगा। प्रसाद इतना कहकर वहां से निकल गया। प्रसाद की बात को मजाक में उड़ाकर शारदा भी निकल गई। शारदा और प्रसाद का इकलौता बेटा रमेश बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, वो बड़ों की बहुत इज्जत करता है, वो अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क नहीं देखता, वो अमीर लोगों से ज्यादा गरीब लोगों से दोस्ती करता है। शारदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। पर बेटा अपनी माँ की कोई भी बात सुनता नहीं था, उसको अपनी माँ की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो हमेशा अपनी माँ को टोकता है। इतना टोकने के बावजूद शारदा में कोई सुधार नहीं आया। अपने नौकरों से माँ के बुरे बर्ताव देखकर एक दिन वो अपनी माँ से, माँ मैंने आपको 1,000 बार बोला है पर आप में कोई सुधार नहीं आया, आप लोगों को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? उनकी गरीबी उनकी कमजोरी नहीं है, वो चुप इसलिए हैं क्योंकि वो आपको मानते हैं। एक बार वो अपने आपा खो बैठेंगे तो आपकी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। एक बार ऐसा हो गया ना माँ, तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। मैं आपको सुना नहीं रहा हूं बल्कि आपको चेतावनी दे रहा हूं, अब तो सुधर जाइए माँ, वरना आपको आगे की जिंदगी बहुत भारी पड़ेगी। रमेश इतना कहकर निकल गया। रमेश अनामिका नाम की एक गरीब लड़की से प्यार करता है। अनामिका भी रमेश से बहुत प्यार करती है। अनामिका को रमेश की माँ के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो शादी के लिए इनकार कर देती है। पर रमेश अनामिका को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है। एक दिन रमेश अनामिका से, अनामिका क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या तुम ये सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? क्या तुम ये सोचती हो
कि मैं भी अपनी माँ के जैसा हूँ, या फिर तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें आगे जाकर धोखा दूंगा। मैंने तो तुम्हें तहे दिल से प्यार किया है, मुझे पता है तुम भी मेरे बगैर नहीं जी सकती हो, फिर भी तुम मेरी माँ के डर से मुझसे दूर होने का फैसला किया है। पर मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, अगर मुझे मेरे घर से अलग होना पड़े तो मैं होने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुमसे अलग कभी नहीं हो पाऊंगा। तुम अगर शादी के लिए इनकार कर दिए तो समझ लेना ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रमेश की बात सुनकर अनामिका रो पड़ती है और वो रोती हुई रमेश से, मुझे माफ कर देना रमेश, मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाई। तुम दिल के इतने अच्छे हो, फिर भी मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाई। मुझे हमेशा से लगता था कि अमीर घर के लोग गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हैं, पर तुम वैसे नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे लिए ही बने हो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी तुम्हें तुम्हारे घर से अलग नहीं करूँगी, मैं सदा तुम्हारी हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। चलो आज ही जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। अनामिका की बात सुनकर रमेश खुश हो जाता है और वो दोनों तुरंत जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करने के बाद सीधा अपने घर चले जाते। शारदा अनामिका और रमेश को शादी की जोड़ी में देखकर पसीना पसीना हो जाती है, गुस्से में तिल मिला जाती है, पर बेटे के ऊपर का प्यार उसे चुप रहने के लिए मजबूर करता है। वो मजबूरी में आकर रमेश और अनामिका को आरती देती है। शारदा झूठ मूठ का नाटक करती है कि उसे वो शादी पसंद है, पर रमेश को अपनी माँ की हरकतों के बारे में पता है। रमेश अपनी माँ के ऊपर भरोसा नहीं करता है और वो अपने माँ के पास जाकर, मुझे पता है माँ आपको ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आप जानबूझकर नाटक कर रही हैं। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, अनामिका आज से मेरी बीवी है, और आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर उसके साथ कभी आपने बदसलूकी की उस दिन मैं आपके इस घर को छोड़कर निकल जाऊंगा, हिम्मत भी मत कीजिए। रमेश की बात सुनकर शारदा डर जाती है। बेटे के ऊपर का प्यार उसको मजबूर करती है कि वो नाटक से ही भले अनामिका से प्यार करती है, और वो उस दिन से बहू मानकर चलती है। शारदा अनामिका से कोई भी काम नहीं करवाती। अनामिका आने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठाती है। अनामिका आने के बाद घर की नौकरों को सही सलामत इज्जत मिलती है। शारदा को गुस्सा आने के बावजूद वो चुपचाप सब कुछ सह लेती है। दिन गुजरने के बाद शारदा भी बदल जाती है। अचानक एक दिन प्रसाद की कंपनी शेयर मार्केट में पूरी तरह से डूब जाती है। रातों रात वो कंगाल हो जाते हैं। घर बार गाड़ी बंगला सब कुछ नीलामी हो जाती है। देखते ही देखते पूरा परिवार सड़क पे आ जाते हैं। करना क्या है किसी को समझ में नहीं आता है। घर की जिम्मेदारी अब अनामिका उठाती है। वो लाज शर्म सब कुछ छोड़कर बीच सड़क पर ढोकले बेचने का काम शुरू करती है। बचपन से अनामिका खाना बनाने में माहिर थी, और अनामिका की ढोकले खाने के लिए गांव के सारे लोग देखते ही देखते अनामिका का ढोकले का व्यापार मशहूर हो जाता है। अनामिका अपने बलबूते पर जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ हासिल करती है। अनामिका की वो काबिलियत देखकर शारदा के आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल आते हैं, और वो रोती हुई आकर अनामिका को गले लगाती है, और वो रोती हुई अनामिका से कहती है, बेटी अनामिका पैसों के लालच में आकर गरीब लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देख रही थी, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर कोई मन में ठान लिया तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। तुम्हारी वजह से मेरा सारा गमन चकनाचूर हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हें मेरे बेटे के डर से झूठ मूठ का प्यार दिखाया था। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। शारदा की बात सुनकर अनामिका रो पड़ती है, और रमेश भी माँ के पास आकर माफी मांगता है। माँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मैंने बहुत बुरा भला सुनाया है, मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया था, मुझे माफ कर देना माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इतना कहने के बाद रमेश अपनी माँ के पैर में गिरा, तो माँ ने माफी देकर रमेश को गले लगाया और साथ साथ अनामिका को भी गले लगाया। फिर से घर में नौकर चाकर सभी आने लगे। अब शारदा उनके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगी। रमेश और अनामिका को एक साल के बाद सुंदर सी कन्या पैदा हुई। कन्या पैदा होने के बाद फिर से उनके घर में चार चांद लग गए। प्रसाद का व्यापार फिर से शुरू हो गया और वो तेजी गति से चलने लगी। फिर से प्रसाद ने
जो कुछ भी खोया था सब कुछ पा लिया। उनके घर में अब खुशी ही खुशी का माहौल था।